अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बट्स अकेडमी। दोस्तों इमरजेंसी की सूरत है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सामने खुद इसीलिए नहीं आया और यही वजह है कि मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रहा हूं। सूरत हाल बड़ी डेंजर है, लोगों के हज़ारों लाखों रुपये नुकसान होने का खतरा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शॉर्ट सी वीडियो है, इसमें तमाम चीज़ों को कवर करूँगा और इसलिए तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो। दोस्तों देखें, सिचुएशन चेंज हो चुकी है कराची के वेदर की। लोगों ने जो है ब्रीडिंग सीज़न के हिसाब से अपने सेटअप लगा लिए थे, मटकियाँ लगा लिए थे अंडे बच्चे लेने के लिए, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है। हीट वेव यानी हीट स्ट्रोक की कंडीशन कायम हो गई है कराची के, और कराची एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें बहुत बड़े बर्ड्स लवर बर्ड्स फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी सिचुएशन पैनिक क्रिएट कर रही है सिचुएशन, और बड़े खौफ की एक फ़िज़ा कायम हो गई है क्योंकि अचानक से वेदर चेंज हो रहा है और जो इफेक्ट करता है इंसानों पर, परिंदों पर, हर तरह से इफेक्ट करता है। तो भाई करना ये है कि देखें, ये मेरी कराची वाली कॉलोनी की वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें खुला बर्तन है, खुले बर्तन लें, ठीक है, जो जिसमें गहराई ज़्यादा ना हो। अगर इस तरह का खुला और गहराई ज़्यादा भी, तो पानी की गहराई को ज़्यादा नहीं रखना, पानी इतना रखें कि फिंचेस की सिर्फ टांगे डूब सकें, फिंचेस की बॉडी ना डूबे, क्योंकि ये परिंदे क्या करते हैं, परिंदे उस जो भी बर्तन होता है उसके साइडों में बैठ जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर मामला क्या है। इन्हें डर भी लगा रहता है कि ऐसा ना हम इसमें जाएँ, फंस जाएँ या डूब जाएँ, तो कोई एक इनमें से हिम्मत करता है, हिम्मत करने के बाद वो भी टेस्टिंग करता है, उस पर टांगे लगाएगा और उड़ेगा, यानी परों को बंद नहीं करेगा। जब वो सक्सेस हासिल कर लेता है, वो कंफर्टेबल उसको लगता है, ठीक है, वो सिक्योर फील करता है, तो फिर वो कूदता है। उसको देखा देखी दूसरों की हौसला अफजाई होती है, परिंदों में इसी तरह ही है कि वो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि यार इसको कुछ नहीं हो तो आते हैं। तो इस तरह से छोटी तेह का पानी रखें, यानी नीचे पैंदे में पानी रखें, फिंचेस के लिए छोटा परिंदा उसी में इंजॉय करेंगे। ये लाजमी दे, इससे होगा क्या, इससे ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, इसमें नहाएंगे, जिस तरह आप और मैं गर्मी में पसीने वसीने होते हैं तो फिर हमें गर्मी फील होती है, फिर हम नहाते हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं, हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। इसी तरह जब ये नहाएंगे, ये अपने 3-4 घंटे वो जो गर्मी के पीक होते हैं वो निकाल लेंगे। इसके साथ ग्रीन फूड वगैरह भी देना होता है, जो कि अभी कैमरे में आपको दिखेगा, क्योंकि इसके साथ ही लेफ्ट पर वो भी दिया है, जिन्होंने नहा लिया है पहले वो जाके ग्रीन फूड खा रहे हैं, ये भी देना है। और इसके साथ क्या करना है, आपने पानी में या तो नींबू मिला देना, 1 लीटर पानी में 1 नींबू डाल दें, तो नींबू पानी इनके आगे रख देना है इनको पिलाने के लिए। और अगर जो नींबू नहीं देना चाहते तो वो ORS के साशे होते हैं, लेमन और ऑरेंज फ्लेवर में ले लें, 20 रुपये का गालबन मिलेगा, वो 1 लीटर पानी में डालें, और नींबू पानी और ORS जो है वो इतने टाइम तक डालें कि धूप गुजर जाए, यानी 3-4 घंटे तक डालें, जो पीक टाइम होता है हीट, मतलब इसमें बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज़ हुआ होता है, उस टाइम तक दें, उसके बाद इसको साफ़ कर दें और ताज़ा पानी दें। फिंचेस या कोई भी बर्ड से गर्मी में पानी उनका बदलते रहें, ताज़ा देते रहें, ताज़े पानी का ये मुंतजर होती है और वो ठंडा होता है, उस पर अटैक करती हैं। इससे ये होता है कि देखें, ये नहाने से ये होता है कि इनकी जुएँ वगैरह परवर जो झड़ते हैं वो भी ये सफाई कर लेते हैं, तो हर लिहाज से ये काम करें वरना बर्बादी हो जाएगी आपके बर्ड्स में, आपके फॉर्म में। अब जो आपको स्क्रीन दिखेगी तो आप इसमें देखेंगे कि ग्रीन फूड भी इसमें पड़ा हुआ है, ये लकड़ी है, अभी कैमरे को इस तरफ करेंगे तो फिर आपको देखेंगे, ये देखें ये ग्रीन फूड मुख्तलिफ प्लेटों में रखा हुआ है, और ग्रीन फूड में आपने सलाद, खीरा, मटर, लौकी, टिंडा, बंद गोभी, इस तरह की चीज़ें देनी है जो ठंडी तासीर रखती हैं, क्योंकि हीट वेव चल रहे हैं, हीट स्ट्रोक चल रहा है, इसमें ठंडी तासीर की चीज़ें दें। और जैसे ही मौसम दोबारा से चेंज हो के सर्दी की, जब आपको फील हो कि यार सर्दी की हवाएं चल रही हैं, तो आपने ये वाला रोक देना है, फिर मेथी, लूसन, पालक ये देना है, 1 फुट देना है, जिनकी वीडियो अवेलेबल हैं। ये प्रिकॉशन लाजमी लेने, लाजमी लेने, बड़ी पैनिक सिचुएशन है कराची वालों के लिए ये, तो इसीलिए मैंने कहा कि किसी के हज़ारों डूब जाएंगे, किसी के लाखों डूब जाएंगे, किसी की ब्रीड अच्छी नहीं आएगी। तो दोस्तों मौजूदा मौसम के लिहाज से ये प्रिकॉशन से जो मैंने आपके साथ शेयर किए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।